Every time when there's a big outrage, some people start talking on it and try to ask for justice. Even those who speaks nothing, who chose to remain silent, but I do hope they surely feel. Itne rapes kyun hote hain? Video for responsible citizen. If you are pre-biased, then this video is not for you. Let's look deep into the roots. For some time, let's leave the government aside. हो रही है और होती रहेंगी आगे भी क्योंकि ना लड़कियों पे दबाव है ना लड़कियों पे दबाव है। ये है एक संसार का रूप कि चलता रहेगा चलती रहेंगी बातें। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं कहा जा। क्या कहता है फिर? फिर उनकी दोनों आई रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बाजे हैं जिस बाजे से यार, जो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। जस्ट इन एनी केस इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड लेट मी टेल यू दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ अ वुमन कंसेंट्स टू बीइंग रेप्ड एंड व्हेन दे आर नॉट डिनाइंग द रेप दे आर ब्लेमिंग द विक्टिम। कार्यक्रम होगा नहीं होगा, जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है, हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है, मतलब आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है जिसको जिसके अंदर कपड़े बनते हैं, उनको पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों नहीं खाती? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाए। भी पी रही है, शराब भी पी रही है, देखो शराब पी रही है। इनके पांच पांच छह छह फ्रेंड हैं। तो लड़कों का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है? अब देखिए लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई कलकत्ता मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल है? तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो रहा है। रात को 11-11 बजे 12-12 बजे मॉलों में घूमती है, मार्केटों में घूमती है, क्या मतलब है? अपना काम करो, अपने घर टाइम से पहुंचो, कोई गलत कर। मेरे घर में भी लड़कियां हैं तो पूरे कपड़ा पहन के रहती है, चुन्नी रखती है, सलवार समीज पहनती है। और अगर अपने मर्जी से वो बोलेगी हम अपने मनपसंद का कपड़ा पहनेंगे तो आप नहीं पहनने दीजिएगा? नहीं चलेगा ही नहीं हमारे घर में। तो आपने मतलब औरतों को अपने घर के बांध के रखा हुआ है, तभी तो हमारे घर सेफ है। मैं साफ मना कर दूंगा कि ये नहीं पहन के जाओ। तो आपको नहीं लगता है आप उनका हक मार रहे हैं? नहीं नहीं कोई हक नहीं मार रहा मैं उन्हें। इंडिया की जो संस्कृति है, जो तहजीब है इंडिया की, वो बता रहा हूँ मैं। साले घर से निकलने मत दो, घर की लक्ष्मी घर में रहती है, अच्छा रहता है। एक तो कुछ बिगाड़ जो हुआ इस मोबाइल से हुआ। लड़कियां बाहर जा रही हैं, उनका पकड़ के रेप कर दिया जा रहा है, तो इसमें मोबाइल कहां से आया? नहीं नहीं देखो वो खुद करा रही हैं, कोई भी उठा गए रेप जो मतलब खुद नहीं करता, जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है सर। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे को कोई जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे। जबरदस्ती नहीं हो सकता ये, उसका राजी प्यार भी चलता है। तालियां बेटा दोनों एक तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। जिस लड़की को जला दिया उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हैं। मतलब ये जो बलात्कार हो रहा है ये लड़कियां खुद भी करवा रही हैं। आप देख लो सब समझ समझता। आप महिलाओं की काफी इज्जत करते हैं। देखो बिल्कुल जो महिला है वही इस सृष्टि की देवी है। हाँ महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, लड़कियाँ उनकी भी इज्जत करना अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा सर आप महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल करता हूँ सर, आप जैसे इज्जत करने वाले भरे पड़े हैं समाज में, होना भी चाहिए भैया सब। बेसिकली ऑनर इज लाइक अ चीट कोड इन इंडिया टू कंट्रोल वुमन ऑन द सेक ऑफ फॉल्स ऑनर इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑनर मेन कैन डू एनीथिंग दे वांट दे कैन डिमिनिश देयर एजेंसी मेक देयर डिसीजन एंड इवन कंट्रोल देयर लाइव्स। What you saw is kind of the lesson we teach to the young. हाँ रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। That is how ingrained the word honor in people's mind. Where social attitudes are such, where the victim is blamed, the woman is controlled, her consent gets ignored, her choice gets rejected, where tradition breaks the law, but we teach them to the young. Is it any surprise that rape is deemed consensual? क्यों?
why we are focusing on our clothes. लड़कों को बदलना चाहिए अपने आप को, आदमियों को बदलना चाहिए. Because even people, I mean girls who wear sari, they also get, I mean, molested and all. अपने पैसों से पहन रहे हैं, हमारे पैसे से तो नहीं पहन रहे, अब उनकी मर्जी है. लेकिन लड़के के दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मेरे को उसके साथ गलत करना है. Guys need to be trained rather than girls that you should not go outside at the midnight. एक तो हम लड़कियों को बोलते हैं कि रेप ना हो, रेप ना होने दो, लेकिन लड़कों को हमें नहीं बोलते हैं कि रेप ना करो. हम ऑटो चलाते हैं, लड़कियाँ हमारे साथ इधर से उधर उधर से, तो हम उनको खुद अपने बच्चों की तरह, उनकी मतलब अंगरक्षक प्लस ड्राइवर बन के चलते हैं. हम आज़ाद देश है, नेताओं कहते हैं लड़कियों को फ्रीडम मिलना चाहिए, लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और बराबर जब भी होते हैं, जब एक लड़का वो कपड़े पहन सकता है तो लड़की वो कपड़े पहन सकती है, लड़का कुछ खा सकता है लड़की भी कुछ खा सकती है, लड़का वाइन पी सकता है तो लड़की भी वाइन पी सकती है, उसका अधिकार है अगर बराबर करना है. कुछ लोग आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर लड़कियां 9 बजे के बाद अगर घर से बाहर निकल रही हैं तो अगर उनका रेप हो जाता है तो ये लड़कियों की गलती है. कुछ लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जो बोलते हैं अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तो वो लड़कों को उत्तेजित करती हैं. कुछ लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर लड़की किसी लड़के के साथ स्कूटी पे बैठ के जा रही है तो ये लड़की की गलती है और इसमें रेप होना जायज़ मामला है. इस ऐसे सोच वाले जो लोग हैं ना हमारे देश में, इनके वजह से तो एक तो हमारी पूरी देश की मानसिकता है जो है वो पूरी तरीके से सर रही है, और ऐसे लोगों से हमें बचने की ज़रूरत है. ये लोग हमें कभी सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये लोग हमेशा हमें गुमराह करेंगे, ये लोग हमेशा हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से लड़कियों को हमेशा दब के रहना चाहिए. अब इन लोगों को कौन समझाएं कि आज की हमारी जो बहनें हैं वो सिर्फ ज़मीन पे नहीं बल्कि आसमान में फ्लाइट उड़ा रही है, आज की हमारी जो बहनें हैं वो सिर्फ घर में नहीं बल्कि क्रिकेट फील्ड में चौके छक्के मार रही हैं. अब इन लोगों को कौन समझाएं कि आज की हमारी बहनें सिर्फ घर में नहीं बल्कि रोड पे खड़े होकर गाड़ियों को कैसे आना है कैसे जाना है ये सब भी संचालित करती हैं. अब इन लोगों के सामने अगर कुछ ऐसी लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए तो शायद ये लोग शर्म के मारे अपने सर झुकाकर उन्हें सलाम करते दिखें. मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा शख्स आपको मिले जो आज के ज़माने में भी ये मांगता है कि लड़का और लड़की में भेदभाव होना चाहिए तो कृपया उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक नमस्कार करें और बोले सर आप इस दुनिया के ऊपर सिर्फ एक बोझ हो. श्योर रेप कल्चर में सीम मोर पर्वेसिव इन सम प्लेस मोर एविडेंट ऑन सर्टेन फेसेस बट मेक नो मिस्टेक इट्स ऑल अराउंड अस. So the next time you ask, itne rapes kyun hote hain? Remind yourself, the answer is right here, staring you at your very own face. Very thanks to Viewpoint React members, everyone. You guys are making these things very much possible for me. There are lots of things to be discussed. Kar sakte hain Facebook par. या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं. लिंक्स विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए जय हिंद.